आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मूंग दाल का हल्का फुल्का, एकदम स्पॉन्जी और मुंह में घुलने वाला ढोकला। तो आज इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है गाइस। तो मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और प्यारी सी इस रेसिपी के लिए एक प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल के ढोकले की रेसिपी। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 घंटे भीगी हुई मूंग की दाल ली है, लगभग 1 कप। इसके बाद में हमने 1/4 कप ली है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ली है चीनी, कुछ हरी मिर्ची ली है हमने और अदरक के कुछ टुकड़े लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो मूंग दाल ली है हमने, इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। और दाल को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में वॉश करने के बाद करीबन 3-3.5 घंटे इसे भिगोकर रखा था और दाल अच्छे से भीग गई है। अब हमें इसे पीसना है। दाल के साथ साथ मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी, साथ ही साथ हमें इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करनी है। नेक्स्ट इसमें जाएगा हरी मिर्ची और अदरक, और अब इन सभी चीज़ों को एकदम फाइन पेस्ट में हमें पीसना है। तो थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि दाल अच्छे से पीस जाए। तो चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ एकदम फाइन पेस्ट में। सो लीजिए गाइज, हमने यहाँ पर दाल अच्छे से पीस ली है और अब इसे निकाल लेती हूँ एक मिक्सिंग बाउल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी गाढ़ी है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमें बाद में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, पानी डालकर इसमें एक वायर स्टैंड भी रख दिया है क्योंकि हम जो ढोकला है कढ़ाई में स्टीम कुक करेंगे। अब ये जो मिश्रण है इसमें ऐड किया है मैंने नमक, इसे अच्छे से मिला देती हूँ। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, अगर एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो मिश्रण आपका पतला हो जाएगा, तो बाद में इसकी जो कंसिस्टेंसी है एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अब ढोकला कुक करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक कंटेनर, तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैंने, चारों ओर से इसे बढ़िया सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो ढोकला है एकदम ईजीली रिमूव हो जाए। इसे रख देते हैं साइड में। अब ये जो बैटर है इसे हमें करीबन 5 से 6 मिनट तक फेंटना है, जब तक कि इसमें अच्छे से एयर जो है क्रिएट ना हो जाए, बैटर हल्का ना हो जाए। और ये जो फेंटने की स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आप चाहते हैं ढोकला आपका एकदम हल्का फुल्का और स्पॉन्जी बने, तो इसके लिए इसमें एयर जो है क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भले ही आपको यहाँ पर लगेगी, लेकिन रिजल्ट जो है एकदम परफेक्ट मिलेगा गाइज। सो कुछ ही मिनट्स में आप देख पाएंगे कि ये जो बैटर है काफ़ी हल्का हो जाएगा, कलर में भी लाइट हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे बबल्स दिखने लग जाएंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट, और इसे ऐड करते ही हमें फटाफट इसे मिक्सअप करना है। अब इसे फेंटेंगे नहीं, हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फटाफट इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं केक टिन के अंदर। मैं यहाँ पर केक टिन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी कंटेनर में या फिर कुकर के डिब्बे में भी इसे स्टीम कुक कर सकते हैं। और अब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अच्छे से भाप निकलने लगी है, तो इसके अंदर इस टिन को रख देते हैं और करीबन हमें इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये निकालेंगे और एक नाइफ में इसके अंदर इंसर्ट करके भी दिखाती हूँ। एकदम क्लीनली निकल कर आई है, इसका मतलब जो ढोकला है बढ़िया सा कुक हो गया है। अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे गाइस, बाद में हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो चलिए तब तक हम इसके लिए टेम्परिंग यानी कि तड़का तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है लगभग 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें राई डाल देंगे 1 टीस्पून और कुछ करी लीव्स यानी करी पत्ता हमें इसके अंदर डालना है।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी और इसे दो तीन उबाल आने तक उबलने देंगे। बाद में मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है मैंने और अब इसे दो तीन उबाल आने के बाद गैस हम बिल्कुल बंद कर देंगे। गाइस अब देखिए यहाँ पर हमारा ढोकला भी बिल्कुल बढ़िया सा ठंडा हो गया है और टेम्परिंग यानी कि तड़का भी तैयार है हमारा। तो इस ढोकले को साइड एजेस से थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं, वैसे अपने आप इसके जो साइड एजेस हैं छूटने लग गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेटर के अंदर। ध्यान रहे ढोकला जो है हल्का गर्म होना चाहिए और टेम्परिंग भी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो इसे हमने रिमूव कर लिया है, अब हम इसके पीसेस करेंगे। सो गाइज हमारा जो ढोकला है एकदम स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार बना है। इसे काटते समय मुझे बहुत ही ऑसम फील हो रहा है, एकदम कम्प्लीटली कट रहा है, कहीं पर भी इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। गाइज देखिए तो अब पूरे पीसेस में हम इस ढोकले को काट लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मूंग दाल के ढोकले की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आपके जो अनुभव हैं मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और वीडियो ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए आपको लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना है। देखिए ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम जालीदार बना है और बहुत ही हल्का बना है ये। अब इसके ऊपर जो टेम्परिंग हमने तैयार की है इसे भी डाल देते हैं। और बिलीव मी गाइस दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है टेस्ट में भी उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसे ट्राई करने के बाद आप खुद होके मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होंगे। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही यूनिक और एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।